हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। चैप्टर पढ़ रहे हैं हम रासायनिक बल गतिकी। तो बच्चों, बल गतिकी की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गैसियस रिएक्शंस के लिए, गैसीय अभिक्रियाओं के लिए प्रथम कोटि का पालन कैसे करती है हम, उसका वेग स्थिरांक वगैरह प्रेशर टर्म में कैसे फाइंड करते हैं। आई थिंक सिंपल था, सिंपल सा लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर था, अच्छे से समझ में आ गया होगा, न्यूमेरिकल भी हो जाने चाहिए। एनसीईआरटी में उसके बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, ठीक है। हालांकि मैं एनसीईआरटी के एक एक सॉल्यूशन आपको करा दूंगी, बट फिर भी आपको अपने लेवल पे ट्राई करने हैं, ठीक है, और जरूरत पड़े तो उसमें से हेल्प ले लेना। अब बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अब बहुत कम टॉपिक बचे हमारे हिसाब से, आई थिंक दो क्लासेस और रहेंगी आपका चैप्टर कंप्लीट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभिक्रिया के वेग पर ताप की निर्भरता, है ना, ताप पर अभिक्रिया के वेग की निर्भरता, की रिएक्शन की स्पीड जो है वो टेम्परेचर से कैसे अफेक्ट होती है, ताप का क्या रोल है, कैसे स्पीड जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से कम ज्यादा हो जाती है। अब बच्चों देखो, जनरली क्या होता है ना, जनरली हम कोई भी रिएक्शन करवाते हैं, अगर मैं गैसीय अभिक्रिया की बात करूं तो अगर मुझे रिएक्शन करानी है तो थोड़ा बहुत तो हीट करना ही पड़ता है ना, 99% रिएक्शंस में हमें हीट करना पड़ता है। तो बच्चों, रिएक्शन चाहे एक्सो हो चाहे एंडो हो, दोनों पे ही एक बात अच्छे से अप्लाई होती है कि ताप बढ़ाने पे वेग बढ़ता है। मतलब एक बार तो स्टार्ट देने के लिए, उसको पुश देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना ही पड़ेगा। अब आपको लगता है ऊष्मा शोषी है, तब तो चलो समझ में आता है कि भी उसको हीट चाहिए, लेकिन ऊष्मा शेपी है, एक्सोथर्मिक है, जो खुद ऊष्मा का त्याग करती है उसमें भी। तो बच्चों, एक बार रिएक्शन चालू करने के लिए हमें एक प्रॉपर लेवल तक पहुंचाने के लिए हीट सप्लाई करनी पड़ती है, उसके बाद में वो खुद इतनी हीट छोड़ती है कि जो हमने हीट दी है वो बैलेंस हो जाती है ना, उससे ज्यादा हीट वो छोड़ देती है। तो हम कहते हैं हमने दिया उससे ज्यादा, तो हमें हीट रिलीज हो गया रिएक्शन के दौरान, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्मा शेपी अभिक्रिया है, ठीक है। अब टेम्परेचर अगर हमने बढ़ाया तो स्पीड तो बढ़ना है, क्यों बढ़ना है, तो बच्चों हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था कि अभिक्रिया का ताप बढ़ाने से, है ना, या क्रियाकारी अणुओं का ताप बढ़ाने से उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 RT, टी बढ़ाओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। तो बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाया, ताप बढ़ाया, गतिज ऊर्जा बढ़ गई। अब गतिज ऊर्जा बढ़ने से गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, क्रियाकारी अणु है, उनके बीच होने वाली टकरों की संख्या, है ना, वो ज्यादा से ज्यादा कोलाइड्स करेंगे। अब जितने ज्यादा अणु आपस में टकराते हैं, स्पीड बढ़ना तो है ना। तो जनरली अगर हम देखें बच्चों, तो हम कहेंगे विभिन्न प्रयोगों से हमने स्टडी करा कि ताप बढ़ाने पे अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, चाहे अभिक्रिया आपकी ऊष्मा शेपी हो, चाहे अभिक्रिया ऊष्मा शोषी हो। अब ऑब्जर्वेशंस क्या कहते हैं कि अगर आपने टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया, चाहे सेंटीग्रेड में बढ़ाओ चाहे केल्विन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तुमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, यानी कि अगर तुम्हारा 283 केल्विन है, तुमने 293 केल्विन कर दिया। ताप में वृद्धि जो है वो 10 डिग्री की करनी है। तो बच्चों, अगर हम टेम्परेचर में 10 डिग्री का इंक्रीमेंट करते हैं तो हम देखते हैं स्पीड या तो दुगनी हो जाती है या अभिक्रिया वेग 3 गुना हो जाते हैं, ठीक है। अब मैंने ले लिया वेग स्थिरांक, पहले भी पढ़ रखा हमने, तो बच्चों वेग स्थिरांक मैंने लिया टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो वो है KT, और डिग्री सेंटीग्रेड में लिया है तो मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर ली, है ना, 10 डिग्री बढ़ाना है, सेंटीग्रेड में सेंटीग्रेड बढ़ाना है, केल्विन में केल्विन बढ़ाना है, ठीक है। तो बच्चों, अगर मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ताप बढ़ाया तो वेग स्थिरांक बदल जाएगा, ध्यान रखना वेग स्थिरांक वैसे तो कॉन्स्टेंट है, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, लेकिन टेम्परेचर के साथ वेरी करता है ना। तो हम कहेंगे KT+10 हो गया वेग स्थिरांक नया। अब बच्चों, अगर हम स्टडी करें तो हम देखते हैं कि भाई KT+10 10 डिग्री वृद्धि करने के बाद नया वेग स्थिरांक और KT टेम्परेचर पे वेग स्थिरांक, तो इन दोनों का मान या तो 2 आता है बच्चों या 3 आता है, यानी KT+10 आपने 10 डिग्री का वेग ताप वृद्धि किया तो वेग दुगुना या 3 गुना हो गया। यहां KT+10/KT इन दोनों का जो रेशियो है बच्चों, KT+10/KT, इसे हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ताप गुणांक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ताप गुणांक, ठीक है। मान लो तुमसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया कि एक अभिक्रिया में ताप, एक बार आ चुका है बच्चों JEE के अंदर, एक अभिक्रिया का ताप हमने क्या किया,
10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड करने पर, पहले 10 था, 10-10 करके हमने बढ़ाया और हमने 100 पे पहुंचा दिया, तो रिएक्शन का टेम्परेचर हमने 10 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड करा, तो आपको पता है वेग तो बढ़ेगा, तो आपको बताना है वेग में कितनी वृद्धि होगी, है ना, स्पीड जो है बच्चों वो कितनी बढ़ जाएगी, आप ये बता दो, बस इतनी सी बात है, वेग में कितनी वृद्धि होगी। अब तुम ऐसे स्टेप बाय स्टेप करो कि भाई पहले टेम्परेचर 10 था, मैंने 20 कर लिया, 10 बढ़ाया, है ना। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज और देगा, क्योंकि देखो मैंने 2 या 3 लिखा है ना, तो वो बोलेगा कि भाई ताप गुणांक जो है वो 2 है, नहीं दिया हुआ तो 2 ही मानना है, ठीक है, क्योंकि 3 बहुत कम होता है, ताप गुणांक 2 है, मतलब हर 10 डिग्री पे वेग वृद्धि जो है वो दुगनी हो जाती है, 2 times बढ़ती है, ठीक है। तो अगर 3 हो तो 3 के रिस्पेक्ट में चल रही, तो फिलहाल मैंने कहा कि अच्छा 10 से 100 10-10 बढ़ा के देखो, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट तो 10 पे था, तो पहले टेम्परेचर 10 था, मैंने 20 किया, तो तुम कहोगे अच्छा आपने 10 डिग्री बढ़ा दिया तो स्पीड दुगनी, फिर मैंने कहा अच्छा 20 से मैंने 30 कर दिया, तो तुम कहोगे उसकी भी दुगनी, यानी 2 into 2, फिर मैंने कहा नहीं 30 से 40 कर दिया तो उसकी भी दुगनी, 2 into 2 into 2, यानी 2 की पावर 3, फिर मैं कहूँ नहीं 40 से 50 गए तो 2 की पावर 4, 50 से 60 गए तो 2 की पावर 5, 60 से 70 गए 2 की पावर 6, 70 से 80 गए 2 की पावर 7, 80 से 90 गए 2 की पावर 8, और 90 से 100 गए तो 2 की पावर 9, है ना, क्योंकि ताप गुणांक तो 2 है, हर 10 डिग्री पे स्पीड दुगनी हो रही है, तो 2 की पावर में चल रहा है ना, हर बार हम 2 से मल्टीप्लाई कर, मतलब 2 की पावर बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर ऐसा कुछ आ जाए, शॉर्ट में इसे सॉल्व करेंगे तो मतलब लंबा हो जाए, तो हम कहेंगे देखो कितनी बार चले, तो भाई फाइनली तुम 100 तक पहुंचे और 10 से शुरू किया, यानी चले तो तुम कितनी बार, तुमने ओवरऑल कितना टेम्परेचर बढ़ाया, तो तुम कहोगे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को बढ़ाया 10-10 करके, तो 9 बार बढ़ाया ना बस, तो आपका जो अभिक्रिया वेग होगा नया, तो हम कहेंगे नया अभिक्रिया वेग जो होगा वो ताप गुणांक तो 2 है, तो 2 की पावर Δt/10, 10 इसलिए क्योंकि 10-10 करके बढ़ा रहे, तो बच्चों Δt तो 90 है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 होता है 512, ठीक है। तो हम कहेंगे वेग में वृद्धि की बात कर रहे हो, 512 गुना बढ़ गया, इतना तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया नहीं, 10 का 100 ही तो किया, लेकिन आपने 10-10 करके किया तो स्पीड दुगनी, फिर दुगनी, फिर 3 गुनी, मतलब सॉरी उसकी भी दुगनी, ऐसे हो जाएगी 3 गुनी, तो बच्चों 3 की पावर चला लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जनरली आपके पास जो वेग गुणांक होता है वो या दुगना या 3 गुना हो सकता है, 99% केसेस में 2 ही लेना है, अगर आपको दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो आपको 2 लेके सॉल्व करना है, ठीक। अब ये चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर आपने ताप बढ़ाया तो गतिज ऊर्जा बढ़ गई, सीधी सी बात है ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, अब गतिज ऊर्जा बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो उनमें टकरों की संख्या बढ़ गई, तो हम लिखते हैं संगत आवृत्ति, संगत आवृत्ति कोलिजन फ्रीक्वेंसी, प्रति सेकंड प्रति इकाई आयतन में क्रियाकारी अणुओं के मध्य होने वाली टकरों की संख्या। कि मैं 1 लीटर कंटेनर ले लेता हूं और टाइम 1 सेकंड का है, अब आप बताओ कितनी कोलिजन हो रही, तो उसे हम कहते हैं संगत आवृत्ति, आगे हम पढ़ेंगे संगत सिद्धांत, उसमें वापस आएगा, ठीक है। तो हमने कहा अच्छा टेम्परेचर बढ़ाया, गतिज ऊर्जा बढ़ी, गतिज ऊर्जा बढ़ी, टकरों की संख्या बढ़ी, लेकिन बच्चों इतना क्या, टकरों की आवृत्ति या टकरों की संख्या, टक्कर आवृत्ति तो 2 से 3% ही बढ़ी, लेकिन वेग तो आप कह रहे हो दुगना, मतलब 200%, या 3 गुना, मतलब 300% तक बढ़ गया, है ना, इसको तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, टकरों की संख्या 2 गुनी थोड़ा ना होगी, 4 गुनी थोड़ा ना होगी, और आगे हम पढ़ेंगे कि टकरों की संख्या अगर 2 गुनी भी हो गई तो सारी टकरों से उत्पाद बने ऐसा जरूरी नहीं है, सभी टकरे क्या बोलते हैं प्रॉपर डायरेक्शन में, प्रॉपर अभिविन्यास, प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं होती है ना, प्रभावी टक्कर, एग्जैक्ट जो टर्म था, सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती है ना, अगर आप सीधे सीधे टकराए और प्रोडक्ट बनने के चांसेस तो बनेगा, लेकिन आपका एक रिएक्टेंट यू या यू आके टकराए तो बनेगा ही नहीं, है ना, आगे हम पढ़ेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, वहां उसको और एक्सप्लेन करेंगे। तो अब अभिक्रिया वेग पर ताप के प्रभाव को समझाने के लिए अरहेनियस समीकरण है हमारे पास, अरहेनियस समीकरण इसकी कुछ बातों पर बेस्ड है ना, इसके कुछ पॉइंट्स है, कुछ पोस्टुलेट्स है, अभी धारणाएं हैं।
अब अरेनियस क्या कहता है कि भाई एक रिएक्शन है तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, एक रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारे क्रियाकारी अणु भाग लेते, लेकिन जिनके पास एक प्रॉपर एनर्जी है या जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जिनके पास इतनी एनर्जी है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उन्हें हम कहते हैं सक्रिय अणु, और नहीं भाग ले रहे या एक प्रॉपर एनर्जी से कम एनर्जी है तो हम कहेंगे निष्क्रिय अणु। ठीक है, तो बच्चों एक रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों के सभी अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, केवल वे ही अणु भाग ले रहे हैं जिनके पास एक प्रॉपर एनर्जी है, यानी सक्रिय अणु ही भाग लेंगे और प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब सक्रिय अणुओं की ऊर्जा सामान्य ऊर्जा से क्या होती है, अधिक होती है, और इस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब मान लो एक क्लास में 100 बच्चे हैं, है ना, तो बच्चों 100 बच्चों में 100 के 100 तो है ना नीट और जेई नहीं क्लियर कर पाते, है ना, थोड़ा सा उनमें रहता है कि एक्स्ट्रा पोटेंशियल होता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हैं, एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग होती है ना, कुछ तो डिफरेंट होता ही कि वो तो निकल जाते हैं और उतनी मेहनत करने वाले या उससे थोड़ी कम मेहनत करने वाले बच्चे रुक जाते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं रिएक्शन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन जिनके पास एक निश्चित ऊर्जा है सक्रिय अणु कहलाते हैं। अब सक्रिय अणुओं के पास जो एनर्जी है वो दूसरों के कंपैरेटिवली क्या है, एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो है जो इनके पास है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे, इस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, जो इनको अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है ना, भाग तो बहुत सारे ले रहे, क्लास में तो बहुत सारे बैठे, लेकिन एक्टिव है ना, जो आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाले, मतलब जो अपना टारगेट अचीव करने वाले हैं, उनके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है, उसे हमने कह दिया एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो सक्रिय ऊर्जा यानी तो मैं कह दूं वो न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो क्रियाकारी अणुओं को उत्पाद में बदलने हेतु आवश्यक है ना, कि मान लो टोटल एनर्जी मुझे 100 चाहिए तो 50-60 एनर्जी तो सबके पास ही, लेकिन 60 वाला तो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, क्रॉस तो 100 वाला कर पाएगा, है ना। आप उत्पाद में बदलने के लिए आपको एक ऊर्जा अवरोध पार करना है, उस ऊर्जा अवरोध तक पहुंचने के लिए मान लो आपको 100 एनर्जी चाहिए, तो अब वो सबके पास तो नहीं है, सबके पास 50-60, तो मैं कहूंगी 40 की एक्स्ट्रा एनर्जी। तो वो 40 की एक्स्ट्रा एनर्जी जो क्रियाकारी अणु या सक्रिय अणुओं को उत्पाद में बदल रही है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी, वो अतिरिक्त ऊर्जा जो है वो आपकी सक्रियण ऊर्जा है। ठीक है, अब आती कहां से, तो गैस की बात करो तो क्रियाकारी अणु आपस में टकराएंगे, तो जितने ज्यादा वो टकराएंगे, जितने तेजी से टकराएंगे, उतने ज्यादा उनकी एनर्जी बढ़ती जाती है। तो सक्रियण ऊर्जा सामान्य अणु परस्पर संगत यानी कि टकरों द्वारा क्या करते हैं, सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, और ये चीज हमारे क्लियर है, ताप बढ़ेगा तो एनर्जी तो वैसे ही बढ़ जाती है, टकरों की संख्या बढ़ जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा अणु क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक, ये जनरल बातें कि भाई रिएक्शन होगी, तो ये बेसिक पॉइंट्स। अब बच्चों क्रिया कारक सीधा का सीधा उत्पाद में वैसे भी नहीं बदलता है। ठीक है, मान लो कि मुझे H2 और I2 के बीच में रिएक्शन करा दी, तो लिखते टाइम हम लिखते थे H2 प्लस I2 गिव्स टू HA, लेकिन ऐसा होता थोड़ा नहीं, हम आणविक अभिक्रियाएं पढ़ रहे, आयनिक नहीं पढ़ रहे, जो आयंस बने और ऑपोजिटली चार्ज आयंस एक दूसरे से मिक्स होकर प्रोडक्ट बन गया, वो तो इतनी क्विक होती है पता ही नहीं चलता है ना, हम पढ़ रहे मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, आणविक अभिक्रियाएं जिनमें पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं, है ना, और उसमें टाइम लगता है, तभी तो हम स्टडी कर पाते। तो मैंने कहा H2 और I2 के बीच में रिएक्ट कराओ और HA तो बनाओ, बनता तो है, तो जरूर ऐसा हुआ होगा H और H के बीच का बॉन्ड लूज हुआ होगा, I और I के बीच का बॉन्ड लूज हुआ होगा, H और I के बीच में संपर्क हुआ होगा, टक्कर होगी तभी तो H और I एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, तो H और I के बीच में नया बॉन्ड बनने की चांसेस होगी, इधर भी H और I के बीच में नया बॉन्ड बनने की चांसेस होगी। तो एक लूजली बॉन्डेड स्पीशीज ढीले ढाले बंधों से बंधी एक स्पीशीज बनती है जिसमें पुराना बॉन्ड तो टूट रहा होता है और नया बन रहा होता है, बीच की स्टेट है भाई, प्रोसेस हो भी सकता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो भी सकता है और नहीं तो नीचे भी गिर सकता है ना, एग्जैक्ट एक्सट्रीम लेवल पे आप पहुंचे हुए हो, तो इधर भी जा सकते हो और इधर भी गिर सकते हो। तो यहाँ जो टॉप मोस्ट स्पीशीज है ना, आपके पास ये एनर्जी थी, आपने यहां तक तो सोच चढ़ा दिया कि हाँ यहां तक मैं पहुंच गया हूं, अब बोलो, तो यहां जो ढीले ढाले बंधों से बंधी स्पीशीज है उसे कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, सक्रिय संकर, और ये जो अवस्था है बीच की स्टेट होती है उसे हमेशा कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था, और उसके बाद में प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो जब भी सक्रिय अणु टकराते हैं तो एक ढीले ढाले बंधों युक्त स्पीशीज का निर्माण करते हैं जिसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब ये सारी बातें सोच के अरेनियस ने वेग स्थिरांक
यानी बच्चों के वेग स्थिरांक हो गया के और टेम्परेचर है ना ताप के मध्य संबंध स्थापित किया जिसे अरहेनियस समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है अरहेनियस समीकरण क्या है, तब तो हम लिखते थे k इक्वल्स टू a e टू दी पावर e बाय आर। ठीक है, अरहेनियस समीकरण लिखो तो समीकरण तो आपको ये लिखनी। अब बच्चों इस समीकरण में k, तो हम कहेंगे k तो आपका वेग स्थिरांक है ना, तो हम कहेंगे यहां पर k क्या है, तो k आपका है वेग स्थिरांक। ठीक, a क्या है बच्चों, e क्या है, r क्या है और t क्या है, तो a जो है वो है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी, संगत आवृत्ति गुणा, यहां के दो अरहेनियस कांस्टेंट, अरहेनियस कांस्टेंट संगत आवृत्ति गुणांक के बराबर होता है, या पूर्व चर घातांकी फैक्टर कारक है ना, ये ए के जस्ट पहले वाला फैक्टर। तो हम कहेंगे ए को हम मान लेते हैं या तो अरहेनियस कांस्टेंट, अरहेनियस स्थिरांक, ठीक है, जो कि बराबर होगा संगत आवृत्ति गुणांक कोलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर, संगत आवृत्ति गुणांक है ना, या फिर पूर्व चर घातांक की प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, पूर्व चर घातांक की गुणांक प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक, अब ये क्या है, ये गई तो गेम है सारा, ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, अब ये भी आएगा सक्रियण ऊर्जा की इंपॉर्टेंस, बता दो क्या फायदा हो रहा है आपको इसको जानने से। आर क्या है, तो बच्चों आर गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक, सक्रियण ऊर्जा अगर तुम्हें जूल में दी गई है तो इसको जूल में ले लो, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और टी, तो मेन समीकरण ही आपको टी के लिए दे रखी है ना, टी आपका टेम्परेचर। और इन्हें समीकरण करती क्या है ना, क्वेश्चन आ जाए कि अरहेनियस समीकरण का महत्व क्या है, तो आपको यही लिखना है, ये अभिक्रिया वेग स्थिरांक और ताप के बीच में संबंध बताती है कि टेम्परेचर वेरी करने से के कैसे वेरी होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब बच्चों इसको हम क्या करते हैं, अरहेनियस समीकरण को एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अब एग्जाम्पल लेके कैसे समझना है, तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आप ऐसा करो, एक रिएक्शन करो, मैंने आपको कहा H2 प्लस I2, तो हम कहेंगे 2HI बनेगा है ना, गैसीय अभिक्रिया है, I2 गैस H2 गैस से टकराएगी और HI का निर्माण करेगी। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट हो जाएगा क्या, तो हम कहेंगे नहीं, इस अभिक्रिया में H2 I2 से टकराएगा, संगत करेगा, फिर सक्रिय संकर बनाएगा और उसके बाद में प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ठीक है ये हो गया, परंतु इस अभिक्रिया में होगी ऐसे रिएक्शन, उसको एक्सप्लेन करो। तो बच्चों हम कहेंगे अच्छा इसको एक्सप्लेन करना है, तो इस रिएक्शन में होगा क्या, तो हम कहेंगे H2 का एक अणु इस अभिक्रिया में, H2 का एक अणु I2 के एक अणु से, ठीक है, एक H2 एक I2 क्या करेगा, टकराएगा। ठीक, I2 के एक अणु से संगत करता है ना, आपस में टकराते दो, कोलाइड करता है, संगत करता है। अब आपको पता है डायरेक्ट तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं है ना, तथा अस्थाई मध्यवर्ती का निर्माण करता है। अभी हमने पढ़ा था डीले डाले बंधों से बंधी स्पीशीज, ठीक है, तो अस्थाई मध्यवर्ती, क्योंकि मध्यवर्ती प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ही है तो स्टेबल तो हो नहीं सकता, तो अस्थाई मध्यवर्ती का निर्माण करता है जिसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसे सक्रियत संकर कहते हैं,
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओके, जब H2 I2 से टकराएगा तो बीच में एक स्टेट आ रही है। H2 और I2 आपस में टकराए तो हम कहेंगे भाई ये तो क्रिया कारक है ना। लिखते टाइम तो आप ऐसे लिख देते हो H2 और I2 टकराए, आंसर है सही। पर ऐसा है थोड़ा ना, एक्चुअली एच और एच के बीच के बॉन्ड जो है वो लूज पड़ना स्टार्ट हो, ये दोनों में भी लड़ाई, ये इसके नजदीक आना चाह रहा है, ये इसके नजदीक आना चाह रहा है, और ऐसी इंटरमीडिएट बनी है ना। तो इसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, सक्रिय संकर। ठीक, तो क्रियाकारी अणु आपने देखा सीधा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ ही, अब तो यहां अटका हुआ, और इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। तो ये है ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था, और अब हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा 2HI। ठीक है, तो H2 गैस I2 गैस से टकराएगी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगी, HI बना, तो हम कहेंगे ये हमारा है प्रोडक्ट। ओके, ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों इसको हम ग्राफ से भी तो एक्सप्लेन कर सकते, तो हम कहेंगे ओके क्या करें, इसको पहले ग्राफ से समझा देते हैं। अब देखो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप अभिक्रिया होने को रिएक्शन कोऑर्डिनेट, अभिक्रिया निर्देशांक लिख सकते हैं, या अभिक्रिया की प्रगति, अभिक्रिया आगे बढ़ रही है, ठीक है, अभिक्रिया निर्देशांक, अभिक्रिया की प्रकृति, प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और एनर्जी में ग्राफ खींचो। ठीक है ना। अब मान लो तुम्हारी जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसी है कि भाई AB प्लस सी और प्रोडक्ट है AC प्लस बी, तो हम कहेंगे जरूर ए और बी के बीच का बॉन्ड जो है वो लूज पड़ा, सी इसके नजदीक आया हो, है ना, ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, और इसके बाद AC बन गया और बी को अलग कर दिया होगा इन्होंने। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि क्रिया कारक सीधा सीधा उत्पाद में तो नहीं बदला, ये आपका क्रिया कारक है AB प्लस सी, आंसर है AC प्लस बी, पर डायरेक्ट तो नहीं बना, बीच में तो आप कुछ लेके आए हो, तो हम कहेंगे हाँ बीच में हम लेके आए संक्रमण अवस्था। ठीक, तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप इसको ग्राफ से समझाओ, तो अभिक्रिया निर्देशांक, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, अभिक्रिया की प्रगति लिख दो, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन आगे बढ़ रही, तो क्रिया कारक जो है ये क्रिया कारक, अब तुमने कहा जीरो से क्यों नहीं बना, तो भाई अगर एक रिएक्शन में गैसेस मॉलिक्यूल्स है तो जीरो एनर्जी क्या, थोड़े तो ज्यादा ही रखेंगे, सबकी एनर्जी अलग अलग है, जीरो से थोड़े ज्यादा अलग होंगे, एक वाले, दो वाले, दस वाले, बीस वाले, पच्चीस वाले, पचास वाले भी होंगे, है ना। तो हम कहेंगे हाँ इनकी खुद की कुछ तो एनर्जी है, तो ये क्रियाकारी अणु यानी कि भाई ये AB प्लस सी, ठीक है, सीधा उत्पाद में तो बनाया, जो मैं सीधी लाइन खींच दूं, है ना, ये यहां तक तो पहुंचे, फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, तो प्रोडक्ट आपका क्या है, तो हम कह रहे हैं AC प्लस, और यहां सेंटर में ये, तो हम कह रहे हैं ये तो कुछ ऐसा है AB से दूर जा रहा है, सी के नजदीक आ रहा, यानी एक रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक सीधे उत्पाद में नहीं बदलता है, है ना, उसे एक ऊर्जा अवरोध, ये यहां तक तो तुम्हें जाना पड़ेगा भाई, यहां तक तो तुम गए, है ना, उसे एक ऊर्जा अवरोध पार करना पड़ता है, जहां वो ढीले ढाले बंधों से बंधी स्पीशीज बनाता है, जिसे संक्रमण अवस्था कहते, उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो यहां था, यहां ले जाने के लिए तो पुश देना ही पड़ेगा, तो यहां था इतना तो धकेला हम, तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना बच्चों, ये है सक्रियण ऊर्जा, है ना, तुमने इतनी तो दी, ठीक है, अब ये इसकी खुद की थी, क्लियर, तो मान लो यहां एनर्जी इसकी 40 है,
एक्स्ट्रा तुमने साठ दी तभी जाके ये 100 का आंकड़ा पार किया, समझे? जीरो तो मैंने बनाई नहीं, मान लो जी खुद की तो एनर्जी थी तो 40 थी, यहाँ इसको 60 मैंने प्रोवाइड कर दी तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। मान लो कि तुम्हारे पास खुद का भी तो ज्ञान होता है कि हाँ भाई मैं 12th में पढ़ा हूँ, थोड़ा बहुत तो मुझे आता ही है, बिल्कुल जीरो तो नहीं है ना, 20% 30% कोई भी अगर मैं नीट का पेपर दूँ, जेई का पेपर दूँ तो मैं 2-4 सवाल तो कर ही सकता हूँ, 20% 30% तो मैं निकाल लूंगा, उससे होगा क्या, है ना? तो हमने कि हाँ थोड़ा पुश मिल जाए। अब थोड़े पुश के लिए तुमने क्लासेस ज्वाइन कर ली, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन जो, तो वो टीचर तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा रहा है डेली, अब वो सिखा रहा है तो तुम उसको ग्रेस्प कर रहे हो, है ना, कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। अब जैसे जैसे क्या होगा, तुम्हारा लेवल बढ़ेगा तो एक स्टेट आएगी कि तुम इस बैरियर को क्रॉस कर जाओगे कि हाँ अब मैं टॉप पे पहुंच गया हूँ, अब तो कूदना ही, ठीक है? तो जीरो पे तो तुम नहीं थे, खुद का तो कुछ था ही, है ना? टीचर ने क्या किया, उसने तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी दी, भाई इतनी तुम लाए हो चलो ये, है ना? तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जिससे आपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है ना, जिससे आपने अपना एग्जाम क्लियर कर दिया, तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो आपको कहीं से मिली है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम कहेंगे ओके, और ओवरऑल तुमको भी मेरा भी तो ज्ञान था, 40% तो मेरा ज्ञान था, 60% आपने दे दिया, तो हाँ ओवरऑल की बात करें बच्चों, जीरो से लेके टॉप तक की बात करोगे तो उसे हम कहेंगे दिली ऊर्जा। बात समझे कि भाई मेरा भी तो ज्ञान गिनो, हाँ तो गिन लिया, उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं, तो आपका ज्ञान प्लस टीचर ने जो आपको पढ़ाया ओवरऑल, तो उसे कहते दिली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी, वह न्यूनतम अतिरिक्त शब्द लिखना जरूरी है जो क्रियाकारी अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक है, वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे वो एक्टिवेशन एनर्जी, और क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक कुल ऊर्जा, टोटल बता दो कितना खर्चा है, तो 100 का खर्चा है तो 40 तो है, आप 60 दे दो, है ना? तो टोटल खर्चा जो है दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहली ऊर्जा। समझ में आ गया? अब ये तो हुआ एक बात, अब बच्चों और डिटेल में चलते हैं इसके। देखो ये आपकी है अग्र अभिक्रिया, है ना, आप आगे बढ़ रहे हो, एक बार बस यहां पहुंचो आपका काम तो हो ही जाएगा। तो ये है पश्च अभिक्रिया, तो हम कहेंगे ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड है, ठीक है? तो बच्चों ये मतलब, तो हम कहेंगे भाई ये मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये तो है सक्रियण ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये फॉरवर्ड से आप क्या समझते हैं, तो ये फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड यानी अग्र अभिक्रिया, भाई रिएक्शन वापस बैक साइड में भी तो हो सकती है ना, हर रिएक्शन कोई फ्रंट ही तो है, रिवर्सिबल भी हो सकती है, तो हम कहेंगे अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये बैकवर्ड तो बच्चों वो है पश्च अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है? और तो बच्चों डेल्टा एच, तो हम कहेंगे ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। अब इन दोनों का जो भी एनर्जी डिफरेंस है, भाई मैंने आपको कहा था अभिक्रिया उष्मा शोषी हो चाहे शिप्पी हो, एक बार तो उसको जंप कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है? भाई बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, एक बार तो मुझे उसको चेक करना पड़ेगा ना कि नीट क्लियर करेगा या नहीं करेगा, तो एक एग्जाम तो क्लियर करेगा, है ना? टॉपर है, आइंस्टाइन है, कुछ भी है, लेकिन एग्जाम क्लियर करेगा तो हम मानेंगे, ठीक है? तो एक बार तो इसको यार जाना ही है और पुश देना ही है, इतना तो आपको देना पड़ेगा, फिर वो अपने आप चल लेगा। तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड और जो डिफरेंस है वो डेल्टा एच, ठीक है? क्या आपने उसको एनर्जी तो कम दी, दिखाया उसने बहुत ज्यादा, है ना, छोड़ी उसने बहुत ज्यादा एनर्जी, तो कोई बात नहीं, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त हुई ना, तो ऊष्मा शोषी, है ना? अगर तुम्हारा यहाँ पे फॉरवर्ड एनर्जी, फॉरवर्ड एनर्जी मान लो कम है और बैकवर्ड एनर्जी क्या है, ज्यादा है, है ना? तो ठीक है, दी गई ऊर्जा कम है और मिली गई ऊर्जा क्या है, ज्यादा है, ठीक है? तो हम कहेंगे खर्चा तो हमने कम किया, मिला हमें ज्यादा तो अभिक्रिया हो जाएगी क्या, अच्छा मिला ज्यादा तो अभिक्रिया हो जाएगी ऊष्मा शेपी, है ना, एक्सोथर्मिक नॉट एंडोथर्मिक। तो हम कह देंगे भाई अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है या फिर डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है, तो देखो डेल्टा एच पॉजिटिव कब आएगा, तो मैं कहूंगी कि ये फॉरवर्ड तो ज्यादा होना चाहिए, ये बैकवर्ड कम होना चाहिए, आगे वैल्यू वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए,
पीछे वाली का हम तो डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाए। तो बच्चों मैंने खर्चा तो बहुत ज्यादा किया, मिला मुझे बहुत कम, तो हम गएंगे तो एनर्जी ले गया, ऊष्मा को अवशोषित कर लिया। तो ये सिचुएशन लागू होगी जब अभिक्रिया होगी ऊष्मा शोषित। अब इसको ग्राफ बना के भी समझाऊंगी, अभी रुको, ठीक है, थोड़ा सा भारी लगेगा यहाँ। अब फॉरवर्ड कम है बैकवर्ड ज्यादा है, तो डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। तो मैंने दिया तो बहुत कम लेकिन एनर्जी मिली बहुत ज्यादा, तो मैं कहूंगी खर्चा तो कम हुआ लेकिन दिया उसने बहुत ज्यादा, मतलब ऊष्मा शेपी है ना, एक्सोथर्मिक है, तो डेल्टा एच नेगेटिव आ जाएगा। तो हम कहेंगे अगर डेल्टा एच नेगेटिव आ गया मतलब जो अभिक्रिया मानी जाएगी दैट विल बी एक्सोथर्मिक ऊष्मा शेपी अभिक्रिया, साइन नेगेटिव इधर साइन पॉजिटिव, ठीक है। अब बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी की इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम कहेंगे देखो एक्टिवेशन एनर्जी से हम स्पीड का पता लगा सकते हैं। अब स्पीड का कैसे, तो देखो ग्राफ तो है ना, मैंने कहा कि भाई तुम्हें 40% आता है तो तुम कहोगे हमें थ्रस्ट जो है वो 60% का चाहिए, 60% मेहनत आप करा दो तो हम जम कर देंगे, तो भी 60% मेहनत कराएंगे तो टाइम तो लगेगा ना। और एक आपको नहीं, मेरी तैयारी तो पूरी है, मुझे 80% तो आता है ना, लेकिन नीट में तुम बता थोड़ा भारी का, हमें 80% में भी नहीं होता सिलेक्शन, मतलब 90% भी चाहिए होता, तो हमें 80% तो आता है, बस आप 20% की तैयारी कराओ। तो बच्चों अगर 80% आता है तो टीचर का मेहनत तो बहुत कम लगे, आपको पुश कराने के लिए बहुत कम एनर्जी देनी पड़ी है ना, इतना तो आपको जंप भी नहीं कराना, आप तो इस लेवल पे ऑलरेडी हो, बिल्कुल हल्का सा पुश कराना, तो तुम सोचोगे इसमें टाइम कम लगेगा है ना। तो अगर सक्रियण ऊर्जा जो बच्चों अगर ज्यादा है तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड कम हो जाएगी, और सक्रियण ऊर्जा कम है हल्का सा पुश चाहिए और प्रोडक्ट बन जाएगा, तो हम कहेंगे अभिक्रिया वेग तेज होगा। अगर ईए कम है तो स्पीड ज्यादा होगी, ईए ज्यादा है तो स्पीड कम होगी। तो ले देखे आपको उसने क्या किया, स्पीड बता दिया। तो सक्रियण ऊर्जा के मान से आपने अभिक्रिया के वेग की जानकारी प्राप्त कर ली है ना। अगर किसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कम है ना, तो आपको भी बस बहुत कम एनर्जी चाहिए, प्रोडक्ट बना लूंगा, मतलब स्पीड क्या है तो अभिक्रिया वेग अधिक होगा, ठीक है भाई। अब बच्चों एक्सो और एंडो ये भी आप बता सकते हो कैसे, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है कोई भी अगर आप ग्राफ बनाते हो तो आपको दो तरह की एनर्जी चाहिए, एक तो आगे बढ़ाने के लिए, फिर संक्रमण अवस्था आ गई और वापस नीचे उतरने के लिए, तो हम कहेंगे ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड। अब मान लो ग्राफ जो है बच्चा ऐसा है, ये ग्राफ है तो तुम्हें दिख रहा है ये फॉरवर्ड है ना, और ये तुम्हें दिख रहा है ये बैकवर्ड, तो तुम कहोगे मैंने दी तो बहुत कम एनर्जी भी है ना, मैंने दी तो क्या, इतनी दी लगभग, और एक्स्ट्रा जो है बच्चों ये एक्स्ट्रा है, ये आएगा आपका डेल्टा एच। तो हम कहेंगे इस ग्राफ में देखो दी गई ऊर्जा कम है ना, यहां मैं लिख देती हूँ क्रिया कारक, ठीक, और यहां लिख देती हूँ उत्पाद। तो हम क्या कहेंगे, हमने जो दिया है वो एनर्जी तो बहुत कम है लेकिन मिली है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो बच्चों इस केस में ऐसा लगेगा है ना, इस केस में आपको क्या लगेगा, ये फॉरवर्ड जो है वो ग्रेटर देन ये बैकवर्ड, तो हम कहेंगे बिल्कुल ये फॉरवर्ड तो कम है ये बैकवर्ड ज्यादा है ना, तो डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव। और डेल्टा एच नेगेटिव तभी आएगा जब अभिक्रिया कैसी हो, ऊष्माशेपी। तो बहुत बार तुम्हें कहेगा ये ग्राफ है अब पहचानो तो ऊष्माशेपी है कि शोषी है, वापस देखो भाई मुझे कहा कि ऊर्जा और रिएक्शन कोऑर्डिनेट अभिक्रिया निर्देशांक में ग्राफ बताओ, तो मैं कहूंगी अच्छा भाई कोई भी रिएक्शन होती है तो क्रिया कारक सीधा उत्पाद में तो नहीं बदलता है, उसको एक ऊर्जा अवरोध को पार करना पड़ता है। अब ऊर्जा अवरोध को पार कर गया तो उस टॉप पोजीशन पे वो ढीले ढाले बंधों से युक्त स्पीशीज बनाएगा जिसे सक्रिय संकर कहते हैं, अवस्था को संक्रमण अवस्था कहते हैं, और क्रॉस कर गया तो प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। तो मैं कहूंगी एक बार तो थ्रस्ट करने के लिए जो एनर्जी देनी है फिर उसकी इच्छा है वो ज्यादा एनर्जी देता है कि रख लेता है, डिपेंड। तो यहाँ का ग्राफ मैंने देखा कि भाई जो मैंने दी है वो कम है और मिली है वो ज्यादा है ना, तो ऊष्मा मुक्त हुई है तो ऊष्मा शेपी। अब मैं कुछ ऐसा सोचते हुए मैंने दिया तो बहुत ज्यादा, ये एनर्जी मेरी बहुत खर्च हो गई और मिली वो तो इतनी, तो बच्चों यहां तुम्हारा क्रिया कारक, ठीक है ना, और ये आपका हो गया प्रोडक्ट। अब ये आपका है ईए फॉरवर्ड है ना, यहाँ क्या है, तो ईए फॉरवर्ड जो कि मुझे तो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है,
और यहाँ क्या है, तो हम कहेंगे ये बैक है, और ये जो डिफरेंस है ये डेल्टा एच है ना। डिफरेंस किसके बराबर है, तो हम कहेंगे डेल्टा एच। तो अब देखो बहुत ज्यादा एनर्जी हमने दी, मिली तो हमें क्या है, तो बाकी इतना गैप जो है वो तो खा गया, इससे रख लिया एनर्जी, तो इसको अभिक्रिया प्रोसीड कराने के लिए एनर्जी रखनी पड़ेगी, है ना। हमारा गैप का एनर्जी का गया, मैंने 2000 खर्चा किया, तुमने 500 ही लौटाया, 500 तो हमने कहा 500 तो ही खा गया, तो उसको आगे बढ़ने के लिए हीट चाहिए होगी, तो डेल्टा एच पॉजिटिव क्योंकि ये फॉरवर्ड ज्यादा है, तो हम कहेंगे इस रिएक्शन में, यहां मैंने उल्टा तो नहीं बता दिया, देखो ये फॉरवर्ड कम था है ना, ये फॉरवर्ड यहाँ पे कम था, ये बैकवर्ड ज्यादा था, ठीक है, तो डेल्टा एच नेगेटिव, और यहां देखो ये फॉरवर्ड ज्यादा है, ये बैकवर्ड कम है, तो ये फॉरवर्ड ज्यादा है, ये बैकवर्ड कम है, तो डेल्टा एच आ जाएगा पॉजिटिव, और बच्चों डेल्टा एच पॉजिटिव यानी अभिक्रिया कैसी हुई, तो हम कहेंगे ऊष्मा शोषी, ठीक है, थोड़ा देख लेना, गलत तो आगे पीछे हो गया साइन, है ना। गिवन एनर्जी कम है, रिलीज्ड ज्यादा है, मतलब फॉरवर्ड कम है, बैकवर्ड ज्यादा है, तो डेल्टा एच नेगेटिव। यहां तुम देख पा रहे हो कि दी तो मैंने बहुत ज्यादा, मिली बहुत कम है, मतलब बीच वाली उसने एनर्जी रख ली, तो डेल्टा एच पॉजिटिव यानी ऊष्मा शोषी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गई ऊष्मा शेपी, ये हो गई ऊष्मा शोषी। तो एग्जाम में कहेगा भाई ये ग्राफ है, ग्राफ देख के बताओ अभिक्रिया की प्रकृति, या ये ग्राफ है, ग्राफ देख के बताओ, तो तुम्हें इतना जल्द दिमाग लगाना ही नहीं है, तुम्हें ये देखना यार दिया तो बहुत कम है, मिला बहुत ज्यादा है, तो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त हुई, मतलब ऊष्मा शेपी। यहां तुम्हें लगेगा कि दी तो बहुत एनर्जी है देखो, है ना, लेकिन मिलते टाइम तो बहुत कम मिली, यानी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित तो हो गई, यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और ये ऊष्मा शेपी अभिक्रिया रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज हुई, कोई दिक्कत नहीं। तो दो इंपॉर्टेंस होगी ले देगी एक्टिवेशन एनर्जी की, कि अगर सक्रियण ऊर्जा कम है तो स्पीड ज्यादा है, सक्रियण ऊर्जा ज्यादा है, बहुत ऊंचा लंबा रास्ता है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एक्सो कब होगी, एंडो कब होगी, आगे बढ़ाने के लिए ईए फॉरवर्ड और वापस आ रहे हो तो ईए बैकवर्ड, दोनों का जो डिफरेंस है वो डेल्टा एच। अब आपको देखना है डेल्टा एच पॉजिटिव ऊष्मा शोषी, डेल्टा एच नेगेटिव ऊष्मा शेपी, क्लियर, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन भी यहां पे आ गया है ना, क्योंकि आप एग्जैक्टली ये तो क्लियर नहीं कर पाए, आपने ये तो समझा दिया कि ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया वेग बढ़ जाएगा, लेकिन दुगुना हो जाएगा, उसको प्रूफ तो करो प्रैक्टिकली, है ना। अच्छा एक्सपेरिमेंटली आ रहा है कि हाँ 8-10 डिग्री पे स्पीड जो है वो दुगुनी है या 3 गुनी, वो आ रहा है, लेकिन एक्सप्लेन कोई नहीं कर पाएगा एग्जैक्ट दुगुना बताओ। आपने कहा ताप बढ़ेगा गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, मान लिया बात सही है, ताप बढ़ेगा गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, अब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो टकरों की संख्या बढ़ेगी, वो भी हमने मान लिया, फिर आप खुद ही कह रहे हो अच्छा टकरों की संख्या तो 2-3% बढ़ेगी, लेकिन वेग तो 200-300 गुना बढ़ेगा, यार ये तो थोड़ा जम नहीं रहा कैसे। तो मैक्सवेल क्या कहता है कि भाई एक रिएक्शन में कोई एक अणु तो भाग नहीं ले रहा, 100 अणु, 1000 अणु, 5000 अणु, इतने अणु भाग ले रहे, और सबकी एनर्जी अलग अलग है ना। मेरी क्लास में अगर 100 बच्चे भी बैठे तो सबका लेवल तो अलग अलग है, IQ सबका अलग अलग है ना। हमें बिल्कुल फेलियर्स बच्चे भी होते हैं और 99% वाले भी होते, मिडिल भी होते, 80% वाले भी होते, 70% वाले भी होते, हर तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है, और मिनिमम भी कहते हैं 40% से लेके और 100% तक के सारे बच्चे हैं। अब बोलो तो हम कहेंगे हाँ 40 से लेके 100 तक है, अब बैरियर क्रॉस कौन करेगा, तो बैरियर क्रॉस वो करेगा जिसके पास उस तक पहुंचने की एनर्जी है ना। भाई अगर मिनिमम कट ऑफ आपको दे दिया एग्जाम का कि भाई कट ऑफ जो है वो 80 है, ठीक है, तो 79 वाला तो इधर ही है ना, और 81 वाला तो क्रॉस कर गया, और 99 वाला है वो भी क्रॉस कर गया है ना। तो हमें एक प्रॉपर कट ऑफ दे दिया, यानी आपको एक प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी दे दी, भाई इतनी तो होनी चाहिए, इतनी है तो कूद जाओगे और नहीं है तो नहीं कूदोगे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे भी चलो एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा एक समान नहीं, जीरो से लेके इन्फिनिटी ना, मिनिमम से मैक्सिमम कुछ भी एनर्जी हो सकती है, इसलिए एक मॉलिक्यूल के बिहेवियर को तो हम स्टडी नहीं कर सकते। तो बच्चों मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने NE/NT और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ बना दिया। अब NE मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग ई एनर्जी, उन अणुओं की संख्या जिनके पास ई एनर्जी है, एक प्रॉपर हमने मान लिया भाई इतनी एनर्जी तो रखो, और NT मतलब कुल अणुओं की संख्या। तो क्लास में कुल बच्चे कितने थे, हमने कहा 100, 60 वाले बता दो, एटलीस्ट 60% किसके आ सकते हैं, तो 60/100 है ना, तो 60 मतलब 60% वाले बच्चे, तो NE मतलब ई ऊर्जा वाले अणु, और NT मतलब कुल
कितने अणु है टोटल। तो ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर इसको मैं ग्राफ से एक्सप्लेन करूं, एनी जिन अणुओं की ऊर्जा ई है और ये है टोटल मॉलिक्यूल, तो बच्चों अगर हम इसको ग्राफ से एक्सप्लेन करें तो हम कहेंगे हमारे को हर तरह की एनर्जी मिल रही है ये ऐसे। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि अधिकांश अणुओं की संख्या भाई 100 में से मान लो 60 जने गिन लेती हूं, तो 100 में से 60 अणु जिनके पास ई ऊर्जा है, यानी इस ग्राफ का जो मैक्सिमा है कि भाई अधिकतम अणुओं के पास इतनी ऊर्जा है, ठीक है ये एनर्जी है मान लो। ठीक है, तो मान लो यहां 100 से लेके मैं 500 मान लेती हूँ, तो भाई बीच का मान लेते, देखो अधिकांश अणुओं के पास 250 एनर्जी तो है, 500 वाले भी है लेकिन उनकी संख्या कम है, और 250 से वाले है ना, 250 से नीचे वाले भी है लेकिन उनकी संख्या भी कम है। ग्राफ का मैक्सिमा यानी अधिकांश अणुओं की एनर्जी जो है वो इतनी है। ठीक है, अब बच्चों ये जो एनर्जी का पीक पॉइंट आ रहा है इसे बोलते हैं अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, मतलब तो हम कहेंगे मतलब है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी मतलब ज्यादातर अणुओं की गतिज ऊर्जा इतनी तो है, इससे ज्यादा वाला भी है उससे कोई तकलीफ नहीं है लेकिन उससे कम वाले भी है, मतलब अगर क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं तो ज्यादातर जो बच्चे हैं उनके 60% तो है ना, जो ग्राफ का मैक्सिमा है मान लो 60% तो है। अब 60 से नीचे वाले भी है लेकिन उनकी संख्या कम है, और 60 से ज्यादा वाले भी है लेकिन उनकी भी संख्या कम है, 100 वाले भी है लेकिन उनकी संख्या तो बिल्कुल ही कम है ना, यहाँ मान लो पहुंच गया तो 100 वाले भी लेकिन बहुत कम है, तो हम नहीं ओके। ठीक है, अब तो आपने तो कहा था टी टेम्परेचर और T+10 दो टेम्परेचर की बात कर लेते, तो बच्चों मैक्सवेल अभी जो हमने ग्राफ बनाया उसे हम कहते हैं मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल का ऊर्जा वितरण वक्र। वक्र में क्या कह रहा है, अत्यधिक ऊर्जा वाले अणु और बहुत कम ऊर्जा वाले अणु, मतलब जो तुम्हारा ग्राफ का पीक पॉइंट है, ठीक है इस पीक पॉइंट से ज्यादा चले जाओ तो अत्यधिक ऊर्जा वाले अणु है और इससे कम चले जाओ तो कम ऊर्जा वाले अणु है, तो देखो ये तो घट रहा है और यहां से जाओ तो भी घट रहा है ना, तो हम कहेंगे उन दोनों की ही संख्या इसमें कम थी। ठीक है, वक्र का शीर्ष भाग टॉप पॉइंट अधिकतम अणुओं की ऊर्जा, तो बच्चों वक्र का शीर्ष अधिकतम अणुओं की गतिज ऊर्जा को बताता है जिसे हम मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी अति संभाव्य गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अब अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया 10 डिग्री बढ़ाया तो देखो, तो बच्चों अगर हम टेम्परेचर क्या करें सिर्फ 10 डिग्री बढ़ा दें, ठीक है तो वापस हम ग्राफ बनाते हैं, किसके बीच में ग्राफ था, तो हम कहेंगे भी ग्राफ था हमारा काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एन ई अपॉन एन टी, कुल अणु और ई ऊर्जा वाले अणु। पहले ई ऊर्जा कितनी थी, तो हम कहेंगे पहले हमारा ग्राफ है ना ऐसा आया था, ई ऊर्जा जो थी वो ये थी है ना, ई ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या, तो हम कहेंगे पहले जो ये एनर्जी थी ना हमारी इतनी थी, अत्यधिक संभावी अति संभावी गतिज ऊर्जा मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों ये पहले किस पे था, तो हम कहेंगे तो टी टेम्परेचर पे था। अब तो हम कहेंगे तो आपने 10 डिग्री की वृद्धि करो, तो भाई 10 डिग्री की वृद्धि करो तो जो तुमने 0 एनर्जी वाला बनाया है उसकी एनर्जी ज्यादा हो गई होगी, अब 0 तो नहीं रही होगी, तो फिर तुम कहोगे जो मैंने 20 वाला बनाया उसकी भी एनर्जी ज्यादा हो गई होगी, अब 20 तो नहीं रही होगी, तो फिर जो 30 वाला बनाया वो भी, मतलब क्लास में 100 बच्चे थे तुमने कहा 60% वाले तो मेरे पास सबसे ज्यादा है, 60 से कम वाले भी है और 60 से ज्यादा वाले भी, लेकिन संख्या कम है, ग्राफ दोनों तरफ से सरक गया। अब मान लो एक मोटिवेशनल स्पीकर आ गया, उसने सारे बच्चों को उत्साहित कर दिया, प्रोत्साहित कर दिया कि वो ऐसे करना है, ऐसे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, लाइफ में अच्छे से सपने देखने हैं, अपने सपनों को पूरा करना है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, बस पढ़ाई करनी है, बेसिक डिग्री आपको क्लियर करनी, सारे बच्चे पढ़ने बैठ गए और सारे पढ़ने बैठ गए तो 2-3 महीने बाद रिजल्ट चौंकाने वाले। अब अधिकतम बच्चों के परसेंटेज जो है ना वो 60 नहीं, आपको लगेगा 80% तो सबके ही, हर दूसरा बच्चा तीसरा बच्चा 80% लाए, मतलब आपका ग्राफ जो इधर खिसक गया
है ना, अगर मैं 10 डिग्री की वृद्धि कर दूं तो मुझे क्या देखने को मिला, तो मुझे लगा जीरो वाला जीरो नहीं रहा भाई, ये तो बढ़ गया आगे, है ना, 10 वाला 10 नहीं रहा, सब के सब आगे बढ़ गए और मेरा ग्राफ जो है वो खिसक के यहां आ गया। ठीक, तो मुझे एक चीज बताओ कि अब अधिकतम अणुओं की गतिज ऊर्जा, तो ग्राफ का पीक, तो तुम कहोगे ग्राफ का पीक तो ये है ना, अब देखो ये यहां पहुंच गया, ठीक है, आपको लगा पीक तो नीचे आ गया लेकिन उससे क्या ग्राफ चौड़ा हो गया, पीक नीचे आ गया। अब अधिकतम अणुओं की ऊर्जा, तो तुम कहोगे जो पहले है ना उससे तो ज्यादा ही है, पहले अधिकतम अणुओं की गतिज ऊर्जा इतनी थी लेकिन अब क्या है, तो भाई अब उससे ज्यादा है। ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये T+10 पे बनाया है ना, और अब मुझे बताओ पहले तुम्हारे पास ये चीज नहीं थी, तुम्हारी ये वाली एनर्जी कहाँ थी, ये एनर्जी तो थी है ना, ये एनर्जी, तो बच्चों एरिया अंडर द कर्व, ये जो आच्छादित क्षेत्रफल तुम्हें मिलेगा ना ग्राफ जैसे चौड़ा हो गया है ना, ये इतने सारे अणु आ गए जिनके पास पहले इतनी एनर्जी थी नहीं, 10 डिग्री बढ़ाते ही ये इतना पहुंच गया, और अधिकतम संभावित ऊर्जा की ये थी, मान लो यही भाग ले रहे थे तो अब हम कहेंगे ये भाग ले रहे थे ना, तो अब इससे ज्यादा वाली, तो ये वाला एरिया भी क्या हो गया, ये सारे भी क्या होंगे, अब भाग लेने लग जाएंगे। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन क्या कह रहा है कि अगर आप एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं, ऊर्जा वितरण आरेख बनाते हैं, तो पहले आपको अधिकतम अणुओं की गतिज ऊर्जा ना, पहले ज्यादातर बच्चों के परसेंटेज 60 थे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया, हमने जैसे ही मोटिवेशनल स्पीच दिया, पूरा ग्राफ हमारा राइट में शिफ्ट हो गया, अब अधिकतम अणुओं की परसेंटेज 80। तो आपने तो कहा था मान लो कि भाई 60 वालों को हम एंट्री दे दें, तो 60 वाले तो आई, फिर 70 भी आ गए, 80 भी आ गए, तो ज्यादा से ज्यादा जंप करने लग गए ना, और इतना ये जो कवर्ड एरिया है ना बच्चों, ये पहले के कंपैरेटिवली दुगना मिलेगा। तो देखो ताप में वृद्धि की जाए तो वक्र दाई ओर, राइट साइड में खिसक गया, तो हम कहेंगे हाँ। अब अधिकतम संभावित गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि राइट साइड शिफ्ट होते ही क्या हुआ, तो हम कहेंगे पहले अधिकतम संभावित गतिज ऊर्जा ये थी, अब अधिकतम संभावित गतिज ऊर्जा ये, तो काफी फर्क पड़ गया। ठीक, और तो बच्चों वक्र में T+10 ताप पर आच्छादित क्षेत्र यानी एरिया अंडर द कर्व जो हमने देखा है ना, वो पी टेम्परेचर की तुलना में क्या हो गया, दुगना हो गया, यानी इससे प्रूफ होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये जो एरिया अंडर द कर्व है ना, ये हमारा क्या हुआ, डबल कर देगा इस चीज को। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो आपका एरिया अंडर द कर्व है ये है ना, ये आपके एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो है वो पहले के कंपैरेटिवली क्या हो गए, जब हम कैलकुलेट करने बैठते तो दुगना हो जाता है, यानी अभिक्रिया का वेग ले देके क्या हो जाएगा, ताप में 10 डिग्री की वृद्धि करने पे दुगना हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट किसका है, तो हम कहेंगे भाई ये कॉन्सेप्ट मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल ऊर्जा वितरण आरेख से आता है। अगर वो पूछे कि मैक्सवेल ऊर्जा वितरण आरेख समझाओ, तो पहले सिंगल ग्राफ बनाना है कि भाई देखो पहले बात ये थी, जैसे ही हम 10 डिग्री में वृद्धि करते हैं, इस ग्राफ को खिसका दो यहाँ, और एरिया अंडर द कर्व जो है वो सारा का सारा आपका प्रॉफिट है, पहले ये चीज थी नहीं अब है। ठीक है, तो यहां तुम्हारा क्लियर आरेनियस इक्वेशन और मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे आरेनियस समीकरण का गणितीय रूप, आरेनियस समीकरण का ग्राफ, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल, और लास्ट टॉपिक चैप्टर का रहेगा कॉलिजन संगत सिद्धांत, कॉलिजन थियरी। ठीक है, संगत सिद्धांत अभिक्रिया वेग को संगत सिद्धांत के आधार पर समझाइए। तो मिलते हैं अगली क्लास में लास्ट टॉपिक डिस्कस करने के लिए विद न्यूमेरिकल, तो तैयार रहेंगे, पूरे लेक्चर शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी कर देंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।